हेलो एवरीवन, मैं अमित आज अपनी सफ़र को गुड़गांव स्टेशन से शुरू किया हूं और मैं यहां से लोहारू स्टेशन तक सफ़र को पूरा करूंगा। और ये देखिए गुड़गांव स्टेशन है और यहां से आगे मैं आगे बढ़ रहा हूं। ट्रेन अभी खुली ही है यहाँ से गुड़गांव स्टेशन से। और ये देख रहे हैं गुड़गांव की हाई राइज बिल्डिंगें, जो कि यहाँ ये शहर काफ़ी एडवांस दिख रहा है। यहाँ पर सारी बिल्डिंगें जो हैं कम से कम 20 मंजिलें 25 मंजिलें तो दिखती ही हैं सब बिल्डिंग। उसी दौरान मुझे उसी रास्ते पर पातली स्टेशन मिला, वहाँ मुझे अडानी लॉजिस्टिक पार्क देखने को मिला, जो कि अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड देश में सबसे डाइवर्सिफाइड एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जो रिटेल, इंडस्ट्रियल, ऑटो, ग्रेन हैंडलिंग, कंटेनर, बल्क, ब्रिक बल्क, लिक्विड जैसे सेगमेंट में इसके पास विशेषज्ञता हासिल है। और इसकी कहें तो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के पास 60 रैक्स हैं, जिसमें कि 43 रैक कंटेनर का है, 9 रैक GPWIS जिसे जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम कहें, 1 रैक AFTO ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर का रैक है, 7 रैक एग्रीकल्चर रैक का है। और इसके पास 4 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग स्पेस है और 5000 प्लस कंटेनर की क्षमता है और 0.9 मिलियन मीट्रिक टन ग्रेन सिलोस और 6 अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज़ों का संचालन करता है। ये और ये देख रहे हैं डबल डेकर लॉजिस्टिक ट्रेन है, मालगाड़ी है और ये एक्चुअली DFC है, डेडिकेटेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अलग ही रूट मालगाड़ियों के लिए बनाई गई है, जिससे कि लोगों के अलग अलग स्थानों पर कम समय में सामान लोगों के पास पहुंच सके। इस फ्रेट डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर बनाने का मकसद ये है कि मालगाड़ियाँ अपनी लाइन पर चलें और ये पैसेंजर गाड़ियाँ अपनी लाइन पर चलें, दोनों के टाइमिंग में कोई फर्क ना आए, लोग सही टाइमिंग पर अपने हर चीज़ सामान या पैसेंजर अपने सही समय पर पहुँच सकें।